सर वो समझ पड़ गया X-2, 3 और 5 का। देख आपने बनाया फिर मैंने वो ड्रॉ कर लिया तो उससे समझ पड़ गया। यहाँ पे कौन सा नीचे ग्राफ होगा, कौन सा ऊपर होगा? सर एक बार बताना वो X की पावर 3 और X की पावर 5 का। 1 के पहले पहले X की पावर 5 नीचे होगा फिर ऊपर होगा। बिल्कुल। यस ठीक है। तो ये ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे, तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ X की पावर 3 का बनाया हुआ है मैंने, तो 5 का ग्राफ क्या होगा? इसकी स्टीप होगा, क्रॉस ओवर करेगा कहाँ पे? 1 पे और -1 पे, और फिर ऊपर हाँ चलेगा। फिर उसके इस साइड। यस ये पॉइंट होगा 1,1, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? -1,-1। माइनस वन माइनस वन ठीक है ना। सिमिलरली X की पावर 7 भी बना सकते हो आप। क्लियर है? तो ये X की इवन पावर हमने बना ली, ऑड पावर हमने बना ली, ठीक है ना। अब 1 अपॉन का अगर यस मैं बनाऊं तो 1 अपॉन का कैसे होगा? देखो, 1 अपॉन X का ग्राफ, 1 अपॉन X³ का ग्राफ, 1 अपॉन X² का ग्राफ, तो ऑड पावर के ग्राफ ऐसे बनेंगे मुझे। सो 1/x का। हाँ ना, 1/x, 1/x³, 1/x^5, सबके ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अब एक्स की जितनी बड़ी वैल्यू डालूंगा उतना, अगर जैसे 1/x³ है, मान लो 1/x का ग्राफ है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे तो आंसर 1 आ गया, 1/x³ में भी 1 आ गया। लेकिन अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 1/2³ तो और छोटा होगा ना, तो ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, क्लोज होते जाएगा वन एक्स अपॉन एक्सिस एक्स क्यूब के, उसमें एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो ऊपर ही जाता जाएगा। तो और छोटा जाता जाएगा। यहाँ पे भी जब क्रॉस ओवर इसको करेगा तो ऐसे क्रॉस ओवर करेगा, 1/x³ करेगा, ठीक है ना। कंपैरिजन आप कर सकते हो, मैं नेचर बता रहा हूँ 1/x का ग्राफ कैसे होगा। अब 1/x² का ग्राफ कैसे होगा? मेरे साथ ही बनाते चलो, मिरर ठीक ही तो। है। बिल्कुल। तो 1/x² का ग्राफ हाँ कैसे वो होगा दो क्वाड्रेंट का होगा। सर आपने क्या करवाया अभी? बेटा? हम अभी 1/x³, 1/x² का ग्राफ देख रहे हैं। ये ग्राफ किसका है? 1/x² का ग्राफ है। 1/x³ का ग्राफ यस ऐसे होगा, एक इधर और एक इधर, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, ये 1/x³ का ग्राफ, ठीक है ना। तो इवन पावर, ऑड पावर, इवन पावर ऑड पावर डिवीजन में दोनों हमने देख लिए। अब फ्रैक्शन पावर की बात करते हैं, दोनों को मैं हटाता हूँ। लेकिन अब अगर √x है तो कैसा ग्राफ होगा? √x, फिर 4th√x, 6th√x, इन सब के ग्राफ जो फैमिली है वो ये ग्राफ होता है। मतलब पहले क्वाड्रेंट में ही नहीं लाई होगा, करें। क्यों? x की वैल्यू नेगेटिव नहीं डाल सकते ना, डोमेन नहीं सेटिस्फाई करेगा। फिर √x, 5th√x, और इनका ग्राफ कैसे बनेगा? इधर, और नेगेटिव के लिए किधर बनेगा? नीचे बन जाएगा नेगेटिव का ग्राफ, नेगेटिव का रूट नीचे, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। पर एक्स्ट्रा नेगेटिव। हाँ यस समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सर, पर इसमें कैसे नेगेटिव में जाएगा? भाई √-27 क्या होता है? -3 होता है ना। सर पर क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू थोड़ी डालेंगे। क्यों अरे एक्स की डालेंगे? क्या हुई डालेंगे होगी, स्क्वायर स्क्वायर रूट में में नहीं नहीं डाल सकते, होता। क्यूब क्यूब है। इवन ना, पावर्स में नहीं डाल सकते, ऑड में तो डाल ऑड सकते। में तो डाल सकता ना बेटा, क्यूब रूट होता है, क्योंकि नेगेटिव का क्यूब तो नेगेटिव ही होता है, ठीक है ना। तो हम यही कॉन्सेप्ट से बोल सकते हैं, क्यूब रूट में तो डाल सकते हो नेगेटिव, ठीक है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट 1 अपॉन ले लेते हैं, 1 अपॉन √x, ठीक है ना। न्यूमरेटर में हो गया, अब डिनोमिनेटर में सारे के सारे ले लेते हैं, क्योंकि रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं, क्योंकि कहीं भी अगर आपको दिखता है एक्सप्रेशन तो ग्राफिकली भी आप थोड़ा सोच सकते हो अच्छा कैसे दिखता होगा, तो आप प्लॉट भी कर सकते हो ना। 1/√x, 1/4√x, उनका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा ग्राफ। मिरर में मिरर में नहीं बनेगा बेटा, नेगेटिव वैल्यूज डाल ही नहीं सकते अपन। 1/3√x, 1/5√x, इनका कैसे बनेगा? फर्स्ट और थर्ड ऐसा। ये मैं हाँ कैसे जज कर पा रहा हूँ भाई? X=0+ पे आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0+ मतलब 0 से जस्ट आगे, 0- मतलब 0 से जस्ट पीछे, तो आंसर -इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। और इन्फिनिटी पे आंसर 0 आ जाएगा, और -इन्फिनिटी पे भी आंसर 0 आ जाएगा,
ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो मुझे ग्राफ बनाने में काफी मदद करती है। क्लियर है? नेक्स्ट एक ग्राफ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। सर एक मिनट, फटाफट बना लो। यस सर। चले नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू, एक्स प्लस वन बाई एक्स। ये मैं बता चुका हूँ आपको, अगर आपको याद हो, एक्स प्लस वन बाई एक्स। दो होती है, ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी। इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ ऐसे होता है, देखो आप। जो ये मिनिमम वैल्यू अटेन होती है वो x इक्वल टू वन पे होती है, और वो वैल्यू होती है टू। और दूसरी जो वैल्यू होती है अगर नेगेटिव इनपुट में अगर आपने डाले तो वो होती है x इज इक्वल टू माइनस वन पे, और वो वैल्यू होती है माइनस टू। टिक और उल्टे टिक जैसा है। यस, ठीक है ना। x इक्वल टू वन पे टू आंसर आएगा, माइनस वन पे माइनस टू आ जाएगा। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाता है? रेंज होता है फंक्शन का माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ टू यूनियन टू से इन्फिनिटी। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये बेसिक एलिमेंट्री ग्राफ्स आपको आने चाहिए, ठीक है। अभी इसी में कोई बोलेगा, एक बार उसका बता दो ना फिर से, 1 बाय क्यूब रूट का। 1 बाय क्यूब रूट का फिर से बता दो एक बार। सी बता दो, पहले ये देख लो, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का अगर कोई ग्राफ पूछता है तो वो कैसे बनाओगे आप? ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसा। खाली एक क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अच्छा, स्क्वायर है ना, राइट सर। नेगेटिव डालूंगा तो भी पॉजिटिव की तरह ट्रीट होगा, पॉजिटिव डाला तो पॉजिटिव ही होगा। दो मिरर इमेज टिक, इज इट क्लियर? तो ये ग्राफ बना लो बेसिक बेसिक। तो ये सारे याद रखने पड़ेगा कि इसका ग्राफ सर वो इंटरसेक्ट होंगे, मुझे याद रखने पड़ेंगे। क्या बेटा? सर बीच में कांटेक्ट होगा वो होगा। अरे जीरो पे तो इन्फिनिटी चला जाएगा ना, कांटेक्ट कैसे होगा? कैसे छुएगा? कोई नहीं सर, इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, जाके इन्फिनिटी पे एक y एक्सिस को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, इन्फिनिटी पे जाके दोनों टच करेंगे y एक्सिस को, ठीक है ना? यस सर। इसको हटा देता हूँ, याद रखने पड़ेंगे अभी के लिए, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, रिजल्ट्स को और ग्राफ्स को, ठीक है, कैसे कैसे आते हैं। आगे चलते हैं, क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ है ना। तो भाई क्यूब रूट किसी का भी रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। क्यूब रूट का ग्राफ पता है तो 1 अपॉन क्यूब रूट भी बना सकते हैं। क्यूब रूट का ग्राफ ऐसे होता है, देखो, ठीक है, 1 अपॉन क्यूब रूट का ग्राफ क्या हुआ? देखो किसी के भी रेसिप्रोकल का ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, ठीक है ना, तो आपको बनाने आना चाहिए। जीरो से प्लस है तो रेसिप्रोकल मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो, समझ आ गया? जीरो माइनस ये वाला पॉइंट है, इससे पहले उसका रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो। सर नहीं पता चला क्या ट्रिक है? ओहो भाई, जीरो से जस्ट आगे क्या होगा? जीरो प्लस होगा, उसका रेसिप्रोकल अगर मैं करूंगा, भाई हम कर क्या रहे, इधर रेसिप्रोकल कर रहे ना हर वैल्यू का, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल वैल्यूज। तो जीरो प्लस का रेसिप्रोकल क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। फिर और आगे आगे वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू घटेगी, कहाँ पे जा रही है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो रेसिप्रोकल कहाँ जाएगी? जीरो। नेक्स्ट जीरो माइनस माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, मतलब जीरो होती। देखो क्या हो रहा है, बढ़ रही है तो ये वैल्यू क्या घटेगी ना एक्चुअली? हाँ, ऐसे घट रही है, ठीक है ना। तो जहाँ पे फंक्शन बढ़ता है उसका रेसिप्रोकल घटता है। तो अगर कोई मेरे को बोलता है दूसरा भी पे रोटेट कर दिया, ऐसा हम नहीं बोलते, एग्जैक्टली नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, 90 डिग्री पे एग्जैक्टली नहीं है रोटेट करना। कोई अगर देखो एक और एग्जांपल है, ln x का ग्राफ बना लेते हैं और 1 अपॉन ln x का ग्राफ बना लेते हैं। तो ln x का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है, 1 by ln x से कैसे बनेगा? 1 by ln x से कैसे बनेगा? अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे फंक्शन जीरो होता है ना वो रेसिप्रोकल को डॉटेड बनाना है, इज इट क्लियर? ln x के ग्राफ में किसी को दिक्कत है क्या? नो। तो जहाँ पे जीरो बनता है वहाँ डॉटेड बनाना है, उसके पीछे बहुत सारा सिंपल सा रीजन है, जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होगा। तो जब जीरो एग्जिस्ट करता है तो रेसिप्रोकल का इन्फिनिटी कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। x इज इक्वल टू वन पे वैल्यू जीरो आ रही है, तो x इक्वल टू वन पे मेरे को डॉटेड लाइन बना लेनी है जो ये बताएगा कि कभी वन फंक्शन के अंदर हम नहीं डाल पाएंगे रेसिप्रोकल वाले। अब जीरो प्लस पे आंसर क्या है? देखो जीरो से जस्ट बड़ा है, जीरो से जस्ट बड़ा है, जीरो प्लस, इसका रेसिप्रोकल क्या? प्लस इन्फिनिटी होगा,
तो ग्राफ इधर से शुरू होगा, अब ग्राफ बढ़ रहा है तो रेसिप्रोकल घटेगा, तो ये ग्राफ आ जाएगा आपका, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जीरो प्लस तो अगर जीरो से वन डाले वैल्यू तो फिर उसके लिए नहीं बता रहा मेरे भाई, पहले ये तो देखना, अभी आगे देखना, ये नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएगी ना नीचे। जीरो से वन के बीच में आंसर क्या है, जीरो पे क्या आंसर है, माइनस इनफिनिटी, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, जीरो होता है, जीरो, तो जीरो कभी अटेन नहीं होगा, सर्कल रहेगा, क्यों, इनफिनिटी कभी अटेन नहीं होता, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, वन माइनस वन से जस्ट पहले क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, ये क्या वैल्यू दे रहा है, जीरो माइनस, व्हाट डू आई मीन बाय जीरो माइनस, वाई एक्सिस पे वैल्यू जीरो से जस्ट छोटी हो गई, तो जस्ट छोटी का रेसिप्रोकल क्या, माइनस इनफिनिटी आ जाएगा, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये ग्राफ होगा आपका, इज इट क्लियर, समझ आ रहा है, रेसिप्रोकल करना है ग्राफ को और कुछ भी नहीं करना है, वो बढ़ रहा है तो वो घटेगा, वो घट रहा है तो बढ़ेगा, नथिंग एल्स, ठीक है ना। ओके, तो काफी ज्यादा जानकारी मैंने दे दी, ठीक है ना, आपके लिए काफी, इतना हटा रहा हूँ उसको, ठीक है। ये दूसरा जो ब्लू ग्राफ बनाया है वो 1/LNX का ही है, ये पूरा 1/LNX का ग्राफ है, पूरा का पूरा, दिस इज कंप्लीट 1/LNX कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं डोमेन, हटाऊं इसको, हां सर, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, नेक्स्ट डोमेन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अब दो फंक्शन का डोमेन, जब भी हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि दो फंक्शंस अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में लिए, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तो इस केसेस में डोमेन जो होता है वो दो गिवन फंक्शंस के इंटरसेक्शन होता है। भाई मान लो फंक्शन वन का डोमेन d1 है, फंक्शन टू का डोमेन d2 है, तो फंक्शन वन और फंक्शन टू को जब मैं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो जो नेट फंक्शन का डोमेन आएगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 आएगा, क्यों भाई, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए, इसलिए इंटरसेक्शन, और दूसरे को भी करना चाहिए, इसको लिख लो फटाफट लिख लो, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन, रूल वन मतलब रूल्स है ये सारे, हाँ, डोमेन निकालने का, बेटा दो फंक्शन होंगे ना हमारे पास, दो फंक्शन, जैसे मान लो एक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा है और एक 1/x लिखा है, तो इसका भी डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए, इसका भी, तो इसका डोमेन d1 निकाल लो, इसका डोमेन d2 निकाल लो, और d1 इंटरसेक्शन d2 कर देना, इसका डोमेन लास्ट वाले में मतलब x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू d2 मतलब x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू, नेट फंक्शन अगर मान लेते हैं f(x) ये नेट फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 ओपन ब्रैकेट 0 से इनफिनिटी, सर, यस बेटा, यस सर, वो थर्ड वाले में वहाँ पे मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेके माइनस एलिमेंटल जीरो करना है, अगर जीरो हो तो वो एलिमेंट जहाँ पे f2 जीरो हो रहा है, वैल्यू ऑफ x सच दैट f2 जीरो, हाँ इनफिनिटी हो जाएगा, नहीं तो f2 जहाँ जीरो हो रहा है उसको सब कर सकते हैं, इसको लिख डालो फटाफट फटाफट लिख डालो, जस्ट अ सेक, ठीक है, नोस क्या, यस सर, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, कहाँ नहीं हुआ है, नहीं हुआ, तो स्क्रीनशॉट ले लें, दो ले लो बेटा, लिख लो फटाफट फटाफट लिख लो, यस सर, नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, तो ये गिवन फंक्शंस के डोमेन निकालने, ठीक है ना, फटाफट फटाफट एक एक के डोमेन को एनालिसिस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन जो है स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, तो ये क्या होता है, 5x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन 3/5, सही है, हाँ सर, ये सब आपने इनइक्वालिटीज में ही करवा दिया, ठीक है, ये सारा हम कर चुके हैं सर, हमने लॉग में पढ़ा था कि अगर अंदर जो अगर कोई भी बाहर ऐसे हो जैसे क्यूब रूट, तो उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते, पर इसमें भी क्यों चल रही है नेगेटिव, कहां बताया था ऐसा मैंने, तो लॉग में अगर ऐसे नंबर लेना माइनस लॉग ऑफ माइनस 8 टू द बेस माइनस 2 इज इक्वल टू 3 तो होगा ना सेटिस्फाई, क्यों ग्राफ नहीं बनता ना पूरा, अरे यार तुम जिंदगी भर लॉग को पकड़ के चलोगे क्या उसको, मैंने उसी टाइम वो चीज एक्सप्लेन कर दी थी यार तुमको, हां सर, कि लॉग ऑफ माइनस 8 बेस माइनस 2 है, ये तुम्हारे, तुम अब चाहो तो इसको तुम मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मैंने लॉग फंक्शन मैंने बनाया है, तो मैंने जो फंक्शन बनाया उसमें बेस कभी नेगेटिव नहीं चलेगा और उसमें आर्गुमेंट भी कभी नेगेटिव नहीं चलेगा, वो मैंने बनाया है, आपसे पूछा थोड़ी है मैंने उस टाइम, ओके, मैंने फंक्शन लॉग बनाया है, अब इसका आंसर ये ले लो, तो मैंने फंक्शन बनाया और मैंने ये रूल बोल दिया कि ऐसा होगा,
बेटा क्यों नहीं चलता वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, माइनस एट बेस में माइनस टू तो यहाँ पे बिल्कुल क्या चलेगा बताओ? तुम बोल दोगे सर यहाँ थ्री चलेगा, मान लिया मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन इसका क्या? इसके लिए तुम मेरे को आंसर दे के दिखाओ, इसका क्या? इसको क्या चाहिए, इसको क्या आंसर दोगे तुम? दे ही नहीं सकते। दो, इसका आंसर क्या होगा बताओ? होगा ही नहीं। तो ऐसी गली जाना क्यों जहां पे हम कुछ आंसर ही ना कर पाए? आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यस। अब फिर लॉग मत निकालना, बार बार तुम लोग ही पूछो सर ऐसा लॉग फंक्शन मैंने बनाया, मान लो मैंने बनाया और मैंने जो बोल दिया वो फाइनल, तो ये ऐसा ऐसा होगा। अगर आप लोग लॉजिक्स को नहीं समझ पा रहे हो, उस टाइम भी मैंने बताया था हर किताब का अपना लॉजिक होता है, हर किताब ने अपने लॉजिक दिए कि भाई क्यों नेगेटिव नहीं चलेगा, क्यों पॉजिटिव नहीं चलेगा, बट लॉग में चलेगा क्या वो बता दिया फाइनल, यही चलेगा, कोई पूछेगा नहीं कि ये क्यों नहीं चलेगा, ये क्यों नहीं चलेगा, बट वो हर अपना जो इंसान समझता है लॉग को वो बोलता है यार हाँ इसीलिए लॉग में नेगेटिव वैल्यूज हमने नहीं डाली, ठीक है ना? तो वो हर इंसान का अपना परसेप्शन है कि हाँ यार इसने नेगेटिव वैल्यू इसलिए डिस्कार्ड कर दी, ठीक है? मेरा परसेप्शन ये बोलता है कि ऐसी चीजें आ जाती है जिसको हम आंसर नहीं कर पाते, तो रादर देन हैविंग दीस थिंग्स व्हिच क्रिएट अ डायलेमा इन आवर माइंड, सो बेटर इज वी वोंट टेक नेगेटिव नंबर्स, हम पॉजिटिव इसमें खेलेंगे जिसमें हमें कोई रोक टोक ही नहीं है, हमारे का आंसर दे पाएंगे, समझे तुम? वो हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, लॉग में नेगेटिव नंबर्स क्यों इंसर्ट नहीं किए होंगे, बट ट्रूथ इज लॉग में नेगेटिव इंसर्ट नहीं होता आर्ग्यूमेंट में और बेस में, ये दैट इज द ट्रूथ, ठीक है? नेक्स्ट, अब थर्ड चीज देख लो। अच्छा ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू आर, क्यूब रूट के अंदर सब चलता है, सब चलता है। थर्ड वाला देख लेते हैं, 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 है, प्रॉब्लम क्या है? डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू कभी 1 और 2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नॉर्मल वो चीज दिमाग से निकाल दो, लॉग वाली चीज दिमाग से निकाल दो, क्यों नहीं चलता है क्या नहीं चलता है, हमको सिर्फ चीजें याद रखनी है, हाँ लॉग में क्या डाल सकते हैं, ठीक है ना? क्यों नहीं डाल सकते वो अलग अलग किताबें पढ़ोगे, सबके अलग अलग रीजन है, अलग अलग टीचर से पूछोगे, सबके अलग अलग एक्सक्यूजेस है, या नेगेटिव नंबर्स को प्लॉट करना सॉल्व कर सकता है, पॉसिबल नहीं, ठीक है ना? लॉग क्यों लेगा इस मैंने से नेगेटिव नंबर्स को प्लॉट करने का मतलब क्या है? देखो माइनस टू की पावर्स को जब मैं प्लॉट करना शुरू करता हूँ, मान लो बेस में तुमने माइनस टू लिया, तो जब उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूंगा, मतलब प्लॉटिंग करूंगा ग्राफ का, तो माइनस टू का पावर वन, माइनस टू का टू, माइनस टू का थ्री, बहुत अच्छा, लेकिन व्हाट अबाउट माइनस टू का हाफ? गड़बड़ हो जाएगी ना, इसीलिए बेस में कभी नेगेटिव नहीं लेते हम, आप समझे मेरी बात, ठीक है ना? यस। चलो अब आगे चलते हैं, क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस वन सब वैल्यू चलेगी, एक्स वन नहीं होना चाहिए, बस खत्म, ठीक है? तो ये डोमेन के थोड़े बहुत एग्जांपल्स हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन, सर आंसर हटा दो, हटा देता हूं, ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लो फटाफट, फटाफट बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। यस सर, ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, इसका डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, रूट ऑफ 1 माइनस 5 इज टू एक्स बाय, क्या इसका डोमेन निकाल पा रहे हो आप लोग? दो मिनट ट्राई करते हैं, तो बोल देंगे। ताहिर का आंसर आ रहा है नेचुरल नंबर्स, अच्छा माइनस इनफिनिटी से जीरो,
पर एक्स के एक ही वैल्यू हो सकती है। देखो ये आंसर है, चलो लेकिन कैसे करेंगे इसको, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, 1 minus 5 की पावर x upon 7 की पावर minus x minus 7, 0 या 0 से बड़ा चलेगा। नेक्स्ट इसका मैं क्या करता हूँ, माइनस 1 से मल्टीप्लाई, एक्चुअली करना नहीं पड़ेगा, नीचे वाला खुद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 1 अपॉन 7 रेस टू x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन गया 7 की पावर x 1 माइनस 5 की पावर x अपॉन 7 इंटू 7 की पावर x 1 माइनस। इसका मतलब क्या है, 7 की पावर x 5 की पावर x माइनस 1, 7 की पावर x प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 1, बस सब यहां तक आ गए मेरे साथ। आ गया सर, इधर तक तो कर दिया था, सॉरी पहले ही सब आ गए। अब मैं हटा देता हूं, सब बाकी हटा देता हूं मैं, यहां तक हम लोग स्मॉलर देन 0 हो जाएगा ना। नहीं माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों से कॉमन निकाला है भाई, अरे नीचे भी माइनस नीचे से कॉमन निकाला। पहले यहाँ तक सब आ जाओ मेरे साथ, फिर मैं इरेज कर दूंगा, फिर पूछोगे सर ये कैसे हो गया, तो देख लो एक बार। सब बच्चों को क्लियर है, माइनस दोनों में से निकाला ऊपर नीचे से, ठीक है ना। अब करना क्या है, अब सिर्फ बहुत आसान सा काम करना है। इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा साइड ले लेता हूँ। अब मुझे करना क्या, सिर्फ नंबर लाइन पे प्लॉट करना है और वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब नंबर लाइन पे प्लॉट पुट करते हैं, एक चीज मुझे बताओ, 7 रेशियो एक्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट इसका तरफ से कोई आएगा क्या? नो, ऑलवेज पॉजिटिव -1। हां, ऑलवेज पॉजिटिव, नो क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम 7x के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 5 की पावर x माइनस 1, x की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूं तो क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट देगा। चलो उस साइड लिखो। नेक्स्ट नेक्स्ट 7 की पावर x प्लस 1, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, माइनस 1 होगा। माइनस 1 माइनस को हटा देते हैं हम, है ना। यहां से मुझे क्या पता चला, यहाँ से मुझे क्या पता चला, अब एक चीज ध्यान से समझना आप, वीवी कर्व मेथड है, प्लस माइनस प्लस कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव उठा लो, माइनस हो गया, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लॉलीपॉप कर लो उसको, हटा दूं मैं, सबने कर लिया मैंने, किसी का बाकी है, प्लीज लेट मी नो। नो सारे बच्चों को मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है ना? यस सर, यस सर। ओके नेक्स्ट, इसका डोमेन देख लेते हैं एक बार, चलो सर इसका डोमेन निकाल लो। फटाफट इसका डोमेन निकाल लो सर। एक क्वेश्चन रह गया, हाँ क्या क्या है सर, कोई क्वेश्चन रह गया सिक्स्थ? क्वेश्चन 6 मैंने नहीं दिया अभी आपको, यही कर लो काफी। सर वो नंबरिंग में प्रॉब्लम है सर। नहीं, नंबरिंग में प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हम क्वेश्चंस को कुछ-कुछ को स्किप कर रहे हैं, कुछ-कुछ क्वेश्चंस में स्किप कर रहा हूं सीधा, ज्यादा इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा-थोड़ा बेसिक हमें सीखना है, बाकी हम जो मेन चीज है वो 12th में ही सीखेंगे। पढ़ाने को तो मैं एक महीना यही पढ़ा दूं आपको, लेकिन काम में नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। यस बिल्कुल सही, मोहम्मद का आंसर लिखा माइनस 1 to 1, मोहम्मद चल्ला वाला इज गिवन मी द आंसर। यस सर, माइनस 0। यस सर, माइनस 1 to 1। यस सर, आ गया मेरे 0, क्यों निकालूं, 0 क्यों निकालूं मैं, एलिमेंटल 0 क्यों निकालूं, चलेगा ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, यस और नो, एक बार करो। यस सर, चलें आगे, करने की जरूरत है क्या मेरे को? हां सर, एक बार करो। नो देखो, नो सर, 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, पॉजिटिव होना ग्रेटर देन, हां 1 अंडर रूट ऑफ 1 को इधर रखते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करता हूं तो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर व्हिच इज लेस देन 1, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यस, तो 1 माइनस x स्क्वायर 0 से बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी चलेगा ना, इक्वालिटी होल्ड कर रही है हर जगह पे, x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस 1 से बना देगी ना, माइनस 1 टू प्लस 1, इज इट क्लियर, सारे बच्चे कंफर्टेबल है? यस।
यस सर मुस्तफा मुस्तफा यस ठीक है ना तो डोमेन निकाल लिया सर हाँ बेटा सर सर अगर हम एफ एक्स को अगर जीरो ले ले सर फिर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली सॉल्व कर दे फिर भी माइनस वन और वन आ जाएगा नहीं लेकिन माइनस वन और वन उसमें एलिमेंटल आएगा हमें इन इक्वालिटी की तरह सॉल्व करना है तभी तो डोमेन निकलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने चलो इसको करो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको करके बताएंगे आपने डोमेन क्या हो जाएगा इसका लेट्स सी कौन बताए देखिए इसको कैसे करेंगे yes, बहुत ही sir, अच्छा हो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखो कैसे माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इनफिनिटी हाँ इसका आंसर आ जाएगा आपके पास x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स आर यस सर कैसे हमने बताया कैसे हमने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंपॉर्टेंट x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये आईआईटी में पूछा हुआ है बार बार ऐसे फंक्शंस पूछते हैं तो इसको करते कैसे देखो जब भी इतनी बड़ी बड़ी पावर्स दी है तो इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करता हूँ मैं एक्स की वैल्यू मान लेते हैं वन से बड़ी अगर होगी वन या वन से बड़ी होगी तो उसका पावर भी बड़ा होगा मतलब ये वाली क्वान्टिटी पॉजिटिव ये क्वान्टिटी पॉजिटिव और ये तो वन तो चलेगा ही हमेशा तो नेट आंसर पॉजिटिव आ जाएगा एक्स की वैल्यू अगर जीरो से वन के बीच में होगी तो मैं क्या करता हूँ वापस एक्स की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 अब इसकी क्लबिंग उल्टा करता हूँ मैं तो ये पॉजिटिव होगा क्यों जीरो से वन के बीच में वन बड़ा होगा एक्स छोटा होगा एक्स की पावर 4 बड़ा होगा एक्स की पावर 9 छोटा होगा और एक्स की पावर 12 तो पॉजिटिव के साथ है तो पॉजिटिव ही आएगा तो नेट क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई फिर जब एक्स वन से छोटा सॉरी एक्स जीरो से छोटा जीरो से छोटे का मतलब क्या नेगेटिव होगा ठीक है ना पॉजिटिव हो जाएंगे तो x की पावर 0 और 1 के बीच कैसे पॉजिटिव होगा 1 और x में बेटा 1 बड़ा होगा x की पावर 4 और x की पावर 9 में x की पावर 4 बड़ा होगा जो पावर छोटी है वो नंबर बड़ा होता है जब नंबर 0 से 1 के बीच में है ये खासियत होती है इसकी अब जब नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव का पावर ऑड है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा ये भी वही पॉजिटिव बन जाएगा तो नेट मेरा आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा ना पॉजिटिव आ जाएगा जी क्लियर ठीक है ना चल सकते हैं आगे सर मैंने सर वो जो x की पावर 12 और x की पावर 4 है ना उसे एक साथ ले आया और माइनस x की पावर 9 और माइनस x को एक साथ ले आया और x की पावर 4 कॉमन निकाल दिया ओके तो उसके फैक्टर्स बने x की पावर 4 माइनस 1 और x की पावर 8 प्लस 1 प्लस 1 भी है पीछे प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 तो फिर आगे फिर आग मेरा माइनस इनफिनिटी से वन है से वन से इनफिनिटी है ठीक है इसीलिए मैं बता रहा केस लेना पड़ेगा एक्स की पावर 4 माइनस 1 जो है अगर नेगेटिव होगा तो वो 1 से छोटा ही होगा लेकिन नेट क्वांटिटी प्लस 1 है तो पॉजिटिव ही आएगा ठीक है सर एक मिनट है कॉपी कर रहा हूँ कर लो कॉपी कर लो और सर मुझे एक मेरा डाउट याद आया सर आरडी शर्मा में एक इमेज सेट करके भी कुछ है सर टर्म वो क्या होती है इमेज मतलब रेंज बेटा जो जो एलिमेंट मैप हुआ है वो सारा इमेज कहलाता है ओके सर इमेज किसकी है तो वो प्री इमेज की इमेज है ओके सर
सारे बच्चे जिन जिन को थोड़ा सा भी डिफिकल्टी है या रिवीजन करना है सेट्स रिलेशन फंक्शन, सारे वीडियोस अपलोडेड है, जाके एक बार स्किम कर लेना सबको, ठीक है ना, अच्छे से फटाफट सारे ठीक है। लॉग में भी अगर एक बार रिवीजन करना तो फटाफट देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो उठाते हैं, एक काम करते हैं, इसको मत लिखना, रुको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूँ दिस क्वेश्चन, इसको ले लेते हैं, चलो उसका निकाल लो आप, इसका आप निकाल लो सर, आंसर आपका डोमेन और रेंज, ठीक है ना, फटाफट निकाल लो डोमेन रेंज, डोमेन निकालो उसका, रेंज तो अभी मैं बताऊंगा मेथड्स, फिर हम रेंजेस निकालेंगे, आज डोमेन ही निकाल रहे हैं सर। यस सर। मैं सोच रहा हूँ कल आपकी क्लास रख के सैटरडे छुट्टी कर दी जाए। हाँ सर, कल भी सुबह ही रखना चलेगा सर। हाँ सर, टाइमिंग चेंज कर दो सर प्लीज, बेटा नहीं कर सकते, स्कूल का क्लास अभी एक में स्टार्ट हो गया सर, हमारी नहीं हुई चालू, अबे हो जाए तो फिर बार बार चेंज थोड़ी करेंगे टाइम टेबल तुम्हारा, अभी एक हफ्ते में स्कूल वाले बोल रहे हैं चालू कर रहे हैं, तो हम शाम के लिए इसके लिए तो टाइम टेबल एक बार फाइनल कर लिया आप लोग का, रोज रोज थोड़ी चेंज करना है, तीन दिन सुबह सर स्कूल चालू हो जाए फिर से यही टाइम कर देना सर, तब तक वो सुबह वाला टाइम, अकेले की बैच नहीं है, एक हफ्ते में बेटा, एक हफ्ते में आपका स्कूल का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, जिन जिन को एडमिशन स्कूल दे रहा है उन सबको 11 साइंस में, तो उन सबका स्टार्ट हो जाएगा क्लासेस सर, पर कल सर आंसर आ गया, सेंड कर दिया, कुछ नहीं करेंगे, आपका आंसर आ जाना चाहिए -2 से 0, यूनियन 0 से 1 या -2 से 1 एक्सेप्ट एलिमेंटल 0, और 1 भी नहीं चलेगा, 1 पे भी ओपन डालना पड़ेगा, सब बच्चों का आ गया, यस सर, नहीं नहीं सर, निकाल लेंगे कैसे, नो सर, कैसे निकालेंगे, 1 के साथ का 0 से बड़ा होना चाहिए, हां आ गया सर, आ गया, ठीक है ना, और तो मैंने यूनियन x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, फर्स्ट थिंग, नेक्स्ट और क्या बोल सकता हूं, x plus 2 is greater than 0, बिल्कुल हां, तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए, और क्या बोल सकता हूं, 1 upon log है, तो log of 1 minus x base 10 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 minus x कभी 1 नहीं होना चाहिए, x कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर, अच्छा यस, इट इज सिंपल क्वेश्चन, यस सर, ये तो आ गया, ठीक है, यस सर, एक मिनट लिख लो, लिखो जिन जिन को लिखना है वो लिख लो, लिख दिया, माइनस टू से वन एक्सेप्ट एलिमेंटल जीरो एंड एक्सेप्ट वन, बार बार शेड्यूल हम चेंज नहीं कर सकते बेटा, सारे टीचर्स अलग अलग जगह एंगेज्ड हैं, एमटी सर का क्लासेस कहीं और लगा रहता है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इसको कर लेंगे फटाफट, चलो इसका डोमेन निकाल लो आप, सर ये किसी का टीवी बैकग्राउंड में चालू है भाई, सब अपने आपको म्यूट कर लो यार, सब अच्छे से म्यूट कर लो, मैं म्यूट करूंगा तो अनम्यूट नहीं कर पाओगे, तो म्यूट कर लो खुद को और फिर अनम्यूट खुद ही कर लिया करो जब भी डाउट, सारे के सारे बच्चे खुद को म्यूट कर दे, सर x belongs to r, देख लेते हैं इसका आंसर, 3-4 आ रहा है सर, एक सेकंड, 3-4 यस सर, आ गया, आ गया, देखिए कैसे करेंगे इसको सर, जीरो से इक्वल में तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना सर, जीरो से वन के बीच में होगा, इतना या फिर चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देखो हमने एक चीज लॉग में पढ़ी है, जो बेस है और जो आर्गुमेंट है अगर वो सेम साइड ऑफ यूनिटी है तो सेम साइन, सेम साइड ऑफ यूनिटी है तो पॉजिटिव आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये तो एक चीज बता रहा था मैं, अगर ये नहीं हो कंफर्टेबल आप सिंपली ऐसे करो, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 बेस में हाफ शुड बी पॉजिटिव, हाफ इज बेस इज 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन 0, खत्म हो गया ना क्वेश्चन, अब तो
4 और 3 सर वो 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए सिंपल है ना यार 3 से 4 हां हां सर इट इज सिंपल हां सर इसमें यस 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 सर चलें आगे मिनट लिख दे फटाफट लिख लो इसको है ना इसको हटा देता हूं मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अच्छे से पढ़ लो इसका निकालो फटाफट डोमेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर वो उसकी पावर में log of 1 plus x cube base में argument में दूसरा log power में किसकी होगा base तो होना चाहिए argument तो होना चाहिए ना कुछ हाँ sorry sorry sir तो log argument के argument में ही आएगा वो ना 2 raise to something लिखा होता तो बोल सकते थे power में सर 9 के क्यूब रूट से इनफिनिटी सर मेरा आ रहा है 0 से इनफिनिटी 0 से इनफिनिटी हां वही आया राइट आया 0 से इनफिनिटी log ऑफ बेस 10 log ऑफ 1 plus x क्यूब बेस 10 लिखा है तो ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए सो log ऑफ 1 plus x क्यूब बेस 10 शुड बी ग्रेटर देन 0 तो 1 plus x क्यूब शुड बी ग्रेटर देन 1 सो x क्यूब हैज टू बी ग्रेटर देन 0 सो x बिलोंग्स टू 0 टू इनफिनिटी x belongs to 0 से infinity ठीक है पर अगर हम x को 0 ले तो log 1 base 10 आएगा तो फिर वो हो जाएगा log 10 हाँ 0 नहीं ले सकते हाँ ठीक है ना आगे सारे क्वेश्चन पर वो 0 आ जाएगा पर argument फिर 0 हो जाएगा ना वापस अरे तो मेरे भाई ने 0 डाल ही नहीं रहा हूँ मैं डाल ही नहीं रहा हूँ 0 जबरदस्ती डालना है क्या डाल ही नहीं रहा 0 क्यों डालूं फिर देख तो रहे हो जीरो पे ओपन एक बार इस पूरे को ग्रेटर देन 0 किया तो उससे 9 का क्यूब रूट से इनफिनिटी आया ऐसे तुमने यहां पे ये गलती किया बेटा 10 रेस टू 0 1 होगा 10 थोड़ी ना होगा हां तो वहां मिस्टेक कर लिया 10 रेस टू 0 1 होगा क्या गलती की मैंने ठीक है कैलकुलेशन देख लो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने अच्छा वाला क्वेश्चन दे दूं क्या होमवर्क के लिए लिखो yes. लिख लो ये अच्छे क्वेश्चन है मस्त इसको लिख लो क्वेश्चन 1 जल्दी लिखो 1 मिनट है अपने पास अरे 1 मिनट आंसर भी लिखते जाओगे क्या आंसर भी लिखते जाओगे नो तो चेक कैसे करोगे तुम्हारा सही है कि नहीं बाकी देख लेंगे कल चेक कर लेंगे अगली सर ग्रुप में देख लेंगे ठीक है बाबा ठीक सर 100x की 100 रेस टू x नीचे 100x नहीं बेस में 100x लिखा है यार इतना तो अच्छे से लिखा है नेक्स्ट नाम मत करो मेरे 100 सर नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी लिखो फटाफट लिख लो अच्छा क्वेश्चन है तो स्क्रीन शॉट ही ले रहे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं नहीं जो लिख रहा है उसको लिखने दो सर रुको लिख लेने दो अच्छा लिख लिया सर सेंड कर दे क्या हमने ठीक है एक ये क्वेश्चन भी लिख लो अच्छा क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन का बेस क्या था सर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन का बेस 0.4 था 0.4 सब सेशन एंड हो जाएगा कभी भी इसको लिख लो आप ठीक है नेक्स्ट बस हो गया काफी है इतना ओके सर